Hey, hello everyone, welcome to my YouTube channel and आज मैं शेयर करूँगी कोराईसुतिर कोचुरी की रेसिपी. सो कचौरी बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डो. सो डो के लिए मैंने ले लिया है मैदा और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 कप मैदा. उसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के. मैंने पहले 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला था और उसके बाद मैंने 1 और चम्मच डाला है. सो ऑयल डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कचौड़ी तो खस्ता बनता है, तो कचौड़ी को खस्ता बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल डालना पड़ेगा. अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे. अब ये डो रेडी हो गया है, हमें सॉफ्ट डो बनाना है और इसको मैंने इसकी लुइया काट के, छोटे छोटे लुइया काट के रख दिया है. आप चाहो तो बाद में भी काट सकते हो. और इसके बाद इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे. मैंने ऊपर से थोड़ा सा तेल भी डाला है. अब हम हमारी स्टफिंग बना लेंगे और स्टफिंग के लिए हमें चाहिए हरा मटर, अदरक और हरी मिर्च. इन सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे. चीज़ों को मिक्सी जार में ले लेने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच जीरा पाउडर. और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे. उसके बाद एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया था उसको कुछ देर के लिए भुनेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए. अब इसमें पूरा पानी सूख गया है और इसका कच्चा स्मेल भी चला गया है, तो अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे. अब हम इसको स्टफ कर लेंगे जो लोइया हमने बना के रखी थी उसके अंदर. आपको स्टफिंग उतना ही करना है ताकि बेलते टाइम ये बाहर ना निकल जाए. सो एक एक करके मैं यहाँ पे सारे लोइयों के अंदर स्टफिंग को स्टफ कर लूँगी और फिर से इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे. अब इसके साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ आलू दम. सो मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है और इसमें डाल दिया है सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा. उसके बाद आलू को डाल दूँगी, थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी और उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा टमाटर. मैंने यहाँ पे 2 टमाटर यूज़ किया है. उसके बाद उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी. अब यहाँ पर डालूँगी अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती का एक पेस्ट. अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें डालेंगे मैजिक मसाला. मैंने मैजिक मसाला का रेसिपी बहुत पहले अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लो. इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे. आलू उबल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी, थोड़ा धनिया के पत्ते और थोड़ा सा घी. बस ये रेडी हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे. और इसके बाद मैं बना रही हूँ अपनी कचौड़ी. इसको बेल लेंगे हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से आपको बेलना है ताकि स्टफिंग निकल ना जाए. उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और इसको फ्राई कर लेंगे. अब कचौड़ी को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है और ये फूल रहा है,
ऐसे ही मैं सारे कचौड़ी को बना लूँगी। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कैसे पूरा स्टफिंग अंदर में फैला हुआ है। देखो, ये बहुत इजीली बनता है और बहुत डिलीशियस बनता है। सो प्लीज़ ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा बना था। और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक यू, बाय बाय।